कर रहा है अपनी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, राइट। टाइम के साथ क्या कर रहा है, मींस मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। सपोज ड्यूरिंग द मोशन गो टू ए, राइट, ड्यूरिंग द मोशन गो टू ए, इट कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके। अगेन ए टू बी, अगेन ए टू बी कवर अ डिस्टेंस 5 किलोमीटर, राइट। अगेन बी टू सी कवर अ डिस्टेंस 5 किलोमीटर, राइट। ड्यूरिंग द फर्स्ट जर्नी, राइट, इट विल कवर अ 5 किलोमीटर, देन टेकिंग अ टाइम टी इक्वल टू सपोज दैट 130 मिनट, राइट, 30 मिनट, T1 30 मिनट, एंड T2 अगेन टेकिंग अ टाइम 30 मिनट, राइट, T3 अगेन टेकिंग अ टाइम 30 मिनट, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मोशन, आप इस मोशन के साथ में क्या चीजें ऑब्जर्व की, आपने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। आपने देखा ओ से ए पोजीशन पर गया, राइट, इसने 5 किलोमीटर की जर्नी कवर की और 30 मिनट कंज्यूम किया, राइट। अगेन ए टू बी गया, 5 किलोमीटर की जर्नी कवर की और 30 मिनट का टाइम कंज्यूम किया। अगेन बी टू सी पर 5 किलोमीटर की जर्नी कवर की और दोबारा क्या किया इसने, अगेन 30 मिनट का टाइम कंज्यूम किया। ड्यूरिंग दिस मोशन यू विल बी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then you can say that object performing a uniform motion, right? Then you can say that object performing a uniform motion. Then how can we define, how can we write the definition of uniform motion? Right? Simple. Uniform motion, right? Object covers equal distance object covers equal distance in equal interval of time, equal interval of time. This object is said to be, object is said to be performing uniform motion. Performing uniform motion. आप क्या बोल सकते हैं? आपने देखा ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? Equal distance cover कर रहा है, equal interval of time, right? आपने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? Perform कर रहा है कैसा motion? Uniform motion, right? कैसा motion perform कर रहा है? Uniform motion. Then specificity of uniform motion, object cover equal distance, check it, equal distance in equal interval of time, right? This is the point, main point of this fundamental, equal distance, object cover equal distance in equal interval of time. Then you can say that object performing a uniform motion, okay? Now again, we have discussed another non-uniform motion. Then how can we explain it through a simple example, right? Again, I am taking an example of non-uniform motion, right? Non-uniform motion. Not telling a simple example, ठीक है? Again, object A, B, C. Another point is B, right? Now taking object. Starting our journey, right? Starting his motion at point.
point A is the initial point and point B is the final point, right? During this journey, object cover different distance, right? Suppose it covers 5 km, it covers 7 km, right? Again, it covers 5 km. Okay, but during this motion, you observe. During this motion, you observe what? Object consume time, same time, means 10 minutes, T2, 10 minutes, and T3, 10 minutes, right? आपने क्या देखा? इस example के थ्रू कि object क्या कर रहा है आपने देखा कि A to A, right? A से पॉइंट पर अपनी पोजीशन को चेंज करने में, राइट, उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और टाइम कंज्यूम किया 10 मिनट, राइट, 10 मिनट कंज्यूम किया। अगेन आपने ऑब्जर्व किया कि बी टू सी जाने में इसने 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और टाइम सेम टाइम कंज्यूम किया, राइट। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि अगेन सी से डी जाने पर इसने क्या किया, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और टाइम कंज्यूम किया 10 मिनट, राइट। तो ड्यूरिंग दिस मोशन आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अनदर एग्जांपल नंबर 2, पॉइंट ए पॉइंट बी अगर ऐसा केस आपको दिखता है तो आप क्या बोलेंगे,
one uniform motion. Okay, now thanks.